हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? उम्मीद करते हैं आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, आज ये वीडियो जो है थोड़ा एक अलग टॉपिक पर, यानी कि जीएस से हटकर के किताबों पर है, जो कि एक मेरे मित्र हैं यहाँ पर, वो टीजीटी की तैयारी कर रहे थे, तो उनके पास ये मैथ की किताबें थी और ये आईआईटी जी की हैं, लेकिन वो टीजीटी के लिए इनके लिए पढ़ रहे थे और उन्होंने बताया कि बहुत अच्छी किताबें हैं ये टीजीटी के लिए। तो इसमें हम देखेंगे ये एररलेस मैथमेटिक्स वॉल्यूम 1 और ये एररलेस मैथमेटिक्स वॉल्यूम 2, और ये आईआईटी के लिए जो है बनाई गई हैं बेसिकली। तो जिन लोगों ने इसके लिए पढ़ा होगा, इसके बारे में आप जानते हों, वो लोग जानते होंगे कि कैसी हैं। और इस पर लिखा है टोटल रिवाइज्ड अपडेटेड एडिशन 2023, लीगेसी ऑफ 31 ईयर्स ऑफ एररलेस पब्लिकेशन। इस तरह से इसमें बहुत सारा चीज़ लिखी गई हैं, डिज़ाइन की गई हैं, लेकिन जो लोग पढ़ते हैं वो समझ पाएंगे कि क्या है इसमें। तो चूंकि मैंने भी मैथ पढ़ा है तो थोड़ी बहुत समझ मुझे भी है इसकी, लेकिन मैंने तैयारी नहीं की आईआईटी की, तो इसलिए मुझे उसके बारे में ज़्यादा नॉलेज नहीं है। लेकिन इसमें जो क्वेश्चंस हैं वो आप देख पाएंगे, समझ पाएंगे क्या है। तो जैसे इसमें जो पहला चैप्टर है वॉल्यूम 1 का, तो इसमें ये लॉग और सेट एंड रिलेशंस, कॉम्प्लेक्स नंबर, सिक्वेंस एंड सीरीज़, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस और परम्यूटेशन, जिसे संचय क्रमचय बोलते हैं हिंदी में। फिर ये है बाइनोमियल थ्योरी एंड मैथमेटिकल इंडक्शन। फिर ये डिटरमिनेंट्स एंड मैट्रिक्स, जैसे आव्यूह शायद सारणी बोलते हैं हिंदी में। फिर ये ट्रिग्नोमेट्रिकल यानी कि त्रिकोणमिति रेशियो, फंक्शंस एंड आइडेंटिटीज़। फिर इक्वेशंस त्रिकोणमिति की और ये प्रॉपर्टीज़, और ट्रायंगल हाइट्स एंड डिस्टेंसेस। फिर इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री, और फिर स्ट्रेट लाइंस, पेयर्स ऑफ स्ट्रेट लाइंस, फिर सर्किल एंड सिस्टम ऑफ सर्कल्स, फिर कॉनिक सेक्शन। तो इस तरह से इसमें दिया गया है। फिर ये चैप्टर्स ने बांटे हैं आईआईटी के हिसाब से बांटे हैं कि कैसा क्या है और कैसे क्वेश्चंस वगैरह इसमें रहे हैं, वो चीज़ यहाँ पर दिखाई गई है। और फिर सिलेबस इसका जो है जी मेन का यहाँ पर दिया गया है, जी एडवांस का जो है यहाँ पर चैप्टर वाइज वेटेज ऑफ क्वेश्चन जी एडवांस वो यहाँ पर दिया गया है कि क्या क्या वेटेज रहा 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021। तो दोस्तों, अगर आप आईआईटी वगैरह की तैयारी कर रहे हैं तो आपको पता होना चाहिए कि टीजीटी में मतलब गवर्नमेंट जॉब का मतलब क्या इसमें इसका योगदान है। अभी अगर आप आईआईटी की तैयारी कर रहे होंगे तो आप गवर्नमेंट सेक्टर के बारे में ज़्यादा नहीं सोचते होंगे कि आपको बीटेक वगैरह या मतलब ये चीज़ें करनी है। लेकिन बाई चांस आप अगर वो सेक्टर छोड़ देते हैं, प्राइवेट और गवर्नमेंट में जाना चाहते हैं, तो ये किताबें बहुत हेल्पफुल होंगी। तो जब कभी भी आप इसकी तैयारी कर रहे हैं तो इसको अच्छे से कीजिएगा, जो कि आपको बाद में इसकी हेल्प मिले। तो इसका फॉर्मेट देखते हैं कि इसका फॉर्मेट क्या है डिज़ाइन करने का क्वेश्चंस को। तो ये मैं बता दूं कि ये इंग्लिश में किताबें हैं, थोड़ी हिंदी मीडियम वालों को थोड़ी दिक्कत हो सकती है, लेकिन अगर आप पढ़ रहे हैं तो इतना तो मैनेज कर ही सकते हैं चीज़ों को सीखने के लिए। तो ये लॉग वाला पहला चैप्टर है, लॉग एंड इनइक्वलिटीज़, और इसमें डायग्राम जिस तरह से होते हैं, जो इंटरमीडिएट का मैं राउंड पढ़ा होगा उसमें भी है ये इनइक्वलिटीज़। तो और ये लॉग होगी, सारी चीज़ें हैं उसमें। तो ये इसका जो है सेट करने का तरीका है। तो पहले इसने इसके बारे में चीज़ें बताई हैं, डेफिनेशन क्या है, कैसा क्या है, फिर इसके क्वेश्चंस जो हैं डिज़ाइन किए हैं। तो ये जैसे क्वेश्चन इसमें आए हैं कि प्रॉब्लम 6, प्रॉब्लम 5 के क्वेश्चंस हैं यहाँ पर। तो ये है इसका प्रोसेस पूरा, और अच्छी किताबें हैं ये। और फिर इनकी ये सेट इनने मतलब किया है कि इसके आंसर्स इस तरह से होंगे। फिर नेक्स्ट चैप्टर जो है इसका वो यहाँ से है, कॉम्प्लेक्स नंबर्स। तो यहाँ पर वही कि पहले उसके बारे में थोड़ा समझाया है कि कैसे कैसे इसकी प्रॉपर्टीज़ होती हैं, कैसे चीज़ें बनती हैं, तो वही है सारा। फिर ये मॉड वगैरह में दे करके कैसे चीज़ें होती हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं यहाँ पर। फिर nth रूट्स ऑफ यूनिटी, ये सारी प्रॉपर्टीज़ वगैरह होती हैं ये यहाँ पर दी गई हैं। फिर इसके बाद क्वेश्चंस इसके दिए गए हैं। चूँकि मैंने इसकी तैयारी नहीं की है तो उस कॉन्फिडेंस से मैं बोल नहीं पा रहा हूँ, लेकिन इन किताबों का जो है बहुत ज़्यादा एक तरह से बोल सकते हैं योगदान रहता है टीजीटी वगैरह में। और वही होता है कि जिस चीज़ की आपने तैयारी की है तो आप उस पर कॉन्फिडेंस के साथ बोल पाते हैं। तो वही प्रॉब्लम है थोड़ा, क्योंकि मैंने मैथमेटिक्स से जो है बीएससी की है, उसके बाद फिर मैंने साइंस स्ट्रीम को छोड़ दिया है और जीएस वगैरह की मतलब तैयारी करने लगा मैं।
तो उस वजह से थोड़ा मुझे इससे दूरी मतलब लगती है एक तरह से मैथ से। हालांकि किताबें बहुत अच्छी हैं, मेरे मित्र एक और हैं उनने भी इन किताबों को ख़रीदा था TGT के दौरान, तो अच्छी किताबें हैं ये। तो मुझे लगा कि इस बार मौका जो है वो गंवाना नहीं चाहिए और इस तरह की वीडियो डाल देनी चाहिए, जिन लोगों को हेल्प मिलेगी इससे वो देख पाएंगे। फिर ये 2023 का मतलब ये दिया गया है और वॉल्यूम सेकंड है ये, तो इसके जो चैप्टर्स हैं वो देखेंगे। और दोस्तों ये किताबें आप ऑफलाइन भी ख़रीद पाएंगे, ऑनलाइन भी ख़रीद पाएंगे। अगर आप ऑनलाइन ख़रीदना चाहते हैं तो मैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन के बॉक्स में दे दूँगा, वहाँ से आप ख़रीद पाएंगे। और ऑफलाइन ख़रीदना चाहें तो किसी दुकान से पता कर लीजिएगा और कंपेयर भी हम कर सकते हैं कि आपको ऑनलाइन सस्ती पड़ रही हैं या फिर ऑफलाइन सस्ती पड़ रही है, तो लिंक पर जाकर हम देख सकते हैं वहाँ से। तो देखते हैं, जैसे इसमें चैप्टर वहाँ पर 15 उसमें दिए गए हैं फर्स्ट वॉल्यूम में, और फिर इसमें सेकंड वॉल्यूम में दिए गए हैं फंक्शंस, लिमिट्स, कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी, और फिर डिफरेंशियल एंड एप्लीकेशंस ऑफ डेरिवेटिव्स, फिर इंडेफिनिट इंटीग्रल्स, और फिर डेफिनिट इंटीग्रल्स एंड एरिया अंडर कर्व्स, फिर डिफरेंशियल इक्वेशंस, वेक्टर अलजेब्रा, और फिर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री ऑफ द थ्री डायमेंशंस, फिर ये प्रायिकता वाला है स्टैटिक्स, फिर ये मैथमेटिकल रीजनिंग। तो ये चीज़ है, और फॉर्मेट तो इसका सेम ही है कि पहले थ्योरी उसके बारे में दे दी, क्या क्या है इसके कॉन्सेप्ट, क्या बन रहे हैं मैथ के, और फिर उसके सवाल। ये कंटिन्यूटी वाले ये चैप्टर आपने पढ़े होंगे मैथमेटिक्स में, ये तो इंटरमीडिएट में भी होते हैं, और ये सारी चीज़ें, और इस तरह से इसमें किया गया है। फिर ये लिमिट्स वगैरह के हैं इसमें, और ये तो फॉर्मूले आपने पढ़े ही होंगे अगर BSc की होगी आपने, या मैथ, ये ई की पावर ई मतलब ई एक्स बोलते हैं इसे, शायद ई की पावर एक्स भी बोलते हैं, तो ई एक्स इस तरह से ही खुलती हैं कैसे, इक्वेशंस में वो चीज़ें दी गई हैं सारी। और फिर जी सेक्स ने इस तरह से इसमें बना दिया है कि क्या है सिंगल करेक्ट आंसर टाइप। तो इस इन किताबों का पर्पज जो है वो IIT G के हिसाब से है, लेकिन इसे पढ़ते बहुत सारे कंपटीशन वाले लोग हैं, जैसे TGT के भी पढ़ते हैं, PET वाले भी लोग पढ़ते हैं, या जिनको और कोई कंपटीशन की तैयारी करनी है जो कुछ नहीं है, या किसी का PCS वगैरह में ऑप्शनल वगैरह है तो शायद वो भी लोग पढ़ते होंगे चीज़ों को, इन किताबों को। तो अच्छी किताबें हैं, और जी मेंस जी एडवांस के हिसाब से तो अच्छी है ही। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और ये तो आप देख पा रहे हैं ये वाले, ये सब इंटरमीडिएट की चीज़ें हैं, समाकलन अवकलन आप देख पा रहे होंगे इसमें, फिर ये लिमिट लगा करके हैं सारे सवाल। और ये तो सारे जब आपने इंटर में मैथ्स अगर पढ़ा होगा तो ये तो आप जानते होंगे कि कैसे कैसे चीज़ें वर्क करती हैं, बस वही है कि जिस चीज़ में आप लगे रहो तो उस चीज़ के आप उस चीज़ में महारत हासिल कर लेते हो, और जिस चीज़ को छोड़ दो तो प्रॉब्लम होती है। जैसे कि मैंने इसे छोड़ दिया तो मुझे थोड़ा अब इसमें असहजता सी होती है, क्योंकि चीज़ों को समझना पड़ता है। हालाँकि मेरे मैथ में ठीक ठाक नंबर हैं, ख़राब भी ज़्यादा नहीं है, तो ज़्यादा जैसे टॉपर नहीं, ज़्यादा ख़राब भी नहीं, ठीक ठाक रहा मेरा इंटरमीडिएट का। ये वेक्टर वगैरह हो गए, फिजिक्स में भी पढ़ते हैं वेक्टर, और मैथ्स मतलब मैथ्स में भी पढ़ते हैं, तो वो चीज़ें हैं इसमें। सदी सरसिंह शायद फिजिक्स में पढ़ते हैं इस चीज़ को। तो आई होप आपको पसंद आया होगा वीडियो, वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन जरूर प्रेस कर दीजिएगा। और जो भी मित्र को आप किताबें, दोस्त भाई बहन को किताबें अगर दिलाना चाहते हैं IIT की तैयारी करने के लिए, तो ये किताबें ठीक हैं। और आप भी TGT वगैरह की तैयारी कर रहे हैं मैथमेटिक्स विषय के साथ, तो ये किताबें आप पढ़ सकते हैं, अच्छी किताबें हैं। और अगर आप ऐसे ही वीडियोस देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, और वीडियो को लाइक करके जाइएगा, और कमेंट करके बताइएगा कि इन किताबों की क्या इंपॉर्टेंस है आपके लिए। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, नमस्कार, बाय बाय।